हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि जो हमारे टीजीटी और पीजीटी के राइटर्स हैं उन बहुत सारे वर्क्स हैं, कहाँ तक हम उनको याद करें, कि आप हमें बता दीजिए किन वर्क्स की हमें समरी पढ़नी है और किन वर्क्स का हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैं पहले शेक्सपियर का बता चुकी हूँ, ये वर्ष वर्ष की वीडियो है जिसमें ऐसे वर्क्स बता रहे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका टारगेट यूपी टीजीटी और पीजीटी है तो डेफिनेटली आप जो है इस वीडियो को पक्का देख लीजिएगा, और जो वीडियो में मैंने आपको वर्क्स बताए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क शुड वी लर्न फर्स्ट है लिरिकल बैलार्ड्स। लिरिकल बैलार्ड्स में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसके ऊपर भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। ऐसा कोई अब तक ईयर नहीं हुआ है कि लिरिकल बैलार्ड से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। द प्रिल्यूड, द रिक्लोज एंड एक्सकर्शन, ये तो वर्क आपको करने ही करने हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, स्किप ही नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीरीज ऑफ फाइव लूसीज पोएम। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो लूसी की पोएम के फाइव है ना, मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ इंट्रोडक्टरी पोएम की, लूसी पोएम कब लिखनी स्टार्ट करी और कौन कौन सी पोएम है, इसमें भी मैंने पांचों के नाम दिए हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लूसी पोएम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो उनके अंदर पोएम लिखी है ना, वो उनकी वर्डिंग लगभग एक जैसी दिखाई देती है। तो जब एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि लाइनें कौन सी पोएम से ली गई है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार इनकी लाइनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि इनके अंदर और किस उसके पोएम के अंदर उन्होंने क्या बात कही, उसका क्या मैसेज है, ये ज़रूर आप देख लेंगे पांचों पोएम के बारे में। अब इनके और जो फेमस है, वैसे तो जब आप अपनी बुक खोल कर देखेंगे ना, इतनी सारे और इतनी सारे बुक आपके सामने पोएम्स दी हुई है, तो आपको समझ में नहीं आता कि हम कौन सी छोड़े और कौन सी पढ़े। तो और जो अब सबसे ज़्यादा आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक तो फर्स्ट है आपका इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसकी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। ओड टू ड्यूटी, ये दोनों आपके ओड पक्के होने चाहिए, इनमें से ओड टू ड्यूटी में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मैं कुछ पॉपुलर पोएम्स बता रही हूँ जिनसे लगभग क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, या फिर रिपीट अगर इस बार नहीं हो तो अगले बार होगा, इस बार नहीं हुआ तो पिछली बार होगा। मतलब ये मैं 20 पोएम्स आपको देने जा रही हूँ, ये तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप सभी जानते हो कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखी है, सोनेट्स भी लिखे हैं उन्होंने, प्रोज वर्क भी लिखे हैं, ड्रामा भी है उनका, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी पोएम से आते हैं। तो यहाँ जो मैं पोएम देने जा रही हूँ, आप उन पोएम को पक्का, आपको क्या करना है पोएम में से, एक तो उनकी आपको लाइनें याद करनी है, या इनकी समरी भी पढ़नी है आपको कि किस किस पोएम में क्या मैसेज दिया गया है, कब इन्होंने लिखी है और किससे वो इंस्पायर हुई है, ये क्वेश्चन आपके सारे लर्न हो जाने चाहिए। तो फर्स्ट है आई वंडर्ड लोनी एज ए क्लाउड, जिसे डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम में इस पोएम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन के नाम से है, ये वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, मेरी प्लेलिस्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से, आप वहाँ जाइएगा और वहाँ से ये पोएम पढ़ लीजिएगा। इसमें बिल्कुल मैं उसकी समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो पॉपुलर लाइन्स होती है वो दी हुई है। माई हार्ट लीव्स, सॉरी ये लीफ है, माई हार्ट लीव्स अप, तो ये आप सही कर लीजिएगा, ये वाला चीज़ मैं दे चुकी हूँ। पोएम आप देख लीजिएगा रूथ या फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, यहाँ से क्वेश्चन जो पोएम अब तक दी है इन सबसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये पढ़ेगा। द इडियट बॉय आपको पढ़नी है। द लीच गैदरर या फिर इसका दूसरा नाम रिसोल्यूशन या रिजोल्यूशन भी पढ़ते हैं। एंड इंडिपेंडेंस, ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नाइटिंगेल, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, आपको पता है कि मेरी फेवरेट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसकी भी पोएम, इसकी भी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। टू स्काई लार्क, स्काई लार्क जो पोएम है वो आपकी किसकी है, एक और राइटर की है जो कि आपके रोमांटिक पीरियड के ही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चन आया था। टू द कुकू और वी आर सेवन, तिंत्रण अबे बहुत अच्छी पोएम, तिंत्रण अबे से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द सोलिटरी रिपेयर लास्ट ईयर भी था और 2016 के एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। और माइकल पील कैशल, द थोन स्कोन और सोनेट, लेओडोमिया, द टेबल्स टर्न। सो माई डियर फ्रेंड, मैंने 20 पोएम दी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये तो पढ़ने ही पढ़ना है, बाकी तो आप जो पढ़ रहे पढ़ रहे, लेकिन जो मैटर मैं आपको दे रही हूँ ये आपका ओन फिंगर होना चाहिए। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।